नर्मदे हर। देखिए माता रानी का कितना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कितना सुंदर मधुर गीत निकल के आ रहा है। नर्मदे हर, वाह, जय हो प्रभु। देखिए यहाँ तो लग रहा माता रानी की बिल्कुल गहराई नहीं होगी, और जबकि आप इधर चले जाएंगे तो इधर बहुत गहरा है, यह जलाशय सा दिख रहा है, और यहाँ तो देखिए बिल्कुल भी गहराई नहीं है माता रानी की। वाह, आइए चलते हैं, यहीं पर बैठे एक संत जी जम्मू कश्मीर से आए हैं नर्मदा जी की परिक्रमा करने, तो आइए मिलते हैं संत भगवान से, कुछ प्राप्त करते हैं हमसे प्रभु से, क्या मिलता है देखते हैं। आइए देखते रहे YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। भगवान अपना शुभ नाम ओगलनाथ। तो कहाँ प्रभु आश्रम अपने कहाँ पर है? जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। किस जगह प्रभु? पुरानी मंडी राम आश्रम। पुरानी मंडी राम आश्रम। राम आश्रम अमरनाथ का कार्ड बनता है वहाँ। अच्छा, अमरनाथ का कार्ड वहीं बनता है। तो प्रभु यहाँ नर्मदा जी की परिक्रमा में है आप, तो आपको कैसे ज्ञात हुआ नर्मदा जी की परिक्रमा होती है? मतलब मैं बहुत छह परिक्रमा कर गया। अच्छा, आप पहले भी कर चुके हैं परिक्रमा? पहले महाराज जी यहाँ एक कुटिया थी झोपड़ी यहाँ। जी जी, वहाँ सब पहले आया था मैं, तो वहाँ भोजन पड़ता था। अच्छा अच्छा, फिर आता था मैं उधर से निकल जाता, वो आश्रम रुकता था, यहाँ नहीं रुकता। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी कुटिया में। हाँ अच्छा, फिर वहाँ से निकल जाता था। अभी बार धूप हो गई थी, 3 साल का परिक्रमा है मेरा। अच्छा, 3 साल 3 महीने वाला। हाँ, बाकी सब 8 महीने 6 महीने में करके गए। अच्छा अच्छा, तो ये अभी अभी कितना समय हो गया प्रभु? 7 महीने हुए हैं, यानी एक चतुर्मास हो चुका आपका अभी? अभी तो अभी चतुर्मास कोई नहीं, वैसे तो हो गया, लेकिन हाँ। अभी उसको मानी नहीं जाएगी, मानी जाएगी बारिश वाला। हाँ हाँ, तो अब अगला चतुर्मास यहीं करने का विचार है? कहाँ पर करें? आगे करने का विचार है, आगे देख रहे हैं कहीं। हाँ, क्यों हमारा पूजा पाठ का सामान नहीं मिलता वहाँ। जी जी जी, घी का ज्योत करता नहीं मैं, 12 मास कपूर का ज्योत करता हूँ मैं। अच्छा, कपूर का ज्योत करते हैं। कपूर, धूप, अच्छा, 3 चीज भोग लगाने के किस्म जी, कपूर और। अच्छा अच्छा, हमारे 3 चीज का व्रत चलता है, बाकी और कुछ नहीं चलता। अभी 9 दिन व्रत था, कंद जोत चली है मेरी जी जी, वो भी कपूर की चली? नहीं, देसी घी। अच्छा, वो देसी घी की चली? देसी घी की 9 दिन की अखंड जोत थी जी, घी की चली है। अच्छा, कपूर का मतलब पूजा में दोनों टाइम आरती पूजा जी, कपूर की जी। तो परिक्रमा कहाँ से उठाई थी प्रभु? हम जबलपुर गौरी घाट से उठाते हैं। अच्छा, गौरी घाट से। हमारे वहाँ मतलब सब जानकार हैं, पहचान वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो वो लोग मतलब वहीं से अपना आराम से उठाते हैं, वहीं से पूरा करके फिर चले जाते हैं उनका रेस्ट। जी जी जी, तो प्रभु माई की परिक्रमा आप तो बहुत कर चुके हैं, तो परिक्रमा के दौरान कुछ अनुभव लोग बताते हैं, माई दर्शन देती हैं? हो गया माई के कई बार दर्शन, हमको हर बार दर्शन मिलते। अच्छा, पहली बार भी मिली है समंदर में। हाँ, दूसरी बार मिली, उसके बाद अगले साल मिली है जो कहाँ शिवलिंग बनता। अच्छा, शिवलिंग बनता है उस गांव में, बकावा में। बकावा में नहाने गया 3 बजे भोर में, कोई नहीं, कहाँ से आई जी, इतने पानी में घुसी, स्नान किया। हाँ, स्नान करके जल चढ़ाने लगी भोलेनाथ का, मैं बर्तन ही धो रहा था उतने में वही जल चढ़ाते चला। अरे, बाबा मिले 2 जगह जी, पानी भी पिए जल भी पिए, लेकिन नहीं पहचान हुआ जी, वो भी दर्शन देगा 2 बार 3 बार। अच्छा, तो महाकाल की, माँ की कृपा, बाबा की, अमरनाथ की यात्रा भी 4 हो गई मेरी।
अच्छा, ये अभी ये साल में भी गया था अमरनाथ जी। अमरनाथ से आया हूँ तो फिर मैया का तय कर पाता। अच्छा, अमरनाथ से लौटने के बाद मैया की परिक्रमा उठाई है। अद्भुत है, आपकी छठवीं परिक्रमा है ना? सातवीं, सातवीं, छः कर चुके हैं आप। छः कर तो कोई संकल्प है कि इतनी परिक्रमा करेंगे? नहीं, हमारी कोई संकल्प नहीं है जी। हम माँ के गोद में एक चीज मांगने आया हूँ जिंदगी में जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तेरी धन चाहिए, ना तेरी दौलत चाहिए, ना महल। मुझे वो चीज दे दे, कोई जीव हो, जंतु हो, पशु हो, इंसान हो, हमारे मुंह से उसका भला होगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना माल होना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक ही यही इससे मांग है, ये पूरी करती है, जो ही पूरी करती है तो ये जाने बाबा भोलेनाथ है, और हमें कुछ की लालच नहीं। अच्छा, तो प्रभु अपना संप्रदाय अघोर संप्रदाय है क्या? अवघड़ पंथ। अच्छा, अघोर संप्रदाय अलग होता है? अघोर अलग होते हैं, नाथ अलग होते हैं, अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं। हम लोग के पंथ में कुछ नहीं चलता, लहसुन प्याज मतलब कोई भी गलत चीज हमारे पंथ में नहीं चलती है। सादा भोजन चाहे नमक रोटी खा लेंगे, वो अपने हाथ से बना के खा लेंगे। अच्छा, गलत चीज हमारे जी प्रभु। तो प्रभु काफी अवस्था हो गई आपकी, इतना वजन लेके आप चलते 70-74 के लगभग। हाँ, वही तो बता रहे हैं, काफी अवस्था हो गई, फिर भी इतना वजन लेके आप परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे कहाँ शक्ति है, सब माँ बैठी है, माँ सर पे बाबा बैठे हैं, बाबा चला रहे हैं, माँ चला रही है, और मैं कौन चला। अच्छा, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, ना कोई औकात है हमारे पास, लेकिन उनका सामान उनको ढो रहा हूँ, हम अपना कुछ नहीं ढो रहा। सब उन्हीं का सामान भरा, उनका पूजा का सामान है, वही ढोता हूँ, हम अपना कुछ नहीं ढोता। हम जिस दिन सर पैर बैठाएगी उसी दिन सर को पटक दूंगा झोली से, लेकिन अपना ढो चाहे मत ढो, हम तो चल दिया, चल दिए। शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे जी। बिल्कुल, वो जब उसकी तपस्या कर रहा हूँ तो वो चल रही है, धो रही है, हमें क्या करना है। सही बात है, जब तक करेगी तब तक चलेंगे। बिल्कुल, अब ये लास्ट परिक्रमा है, इसके बाद एकदम जब नहीं आना है। अब मैया का शरण में देखते हैं, कहीं दीवार झोंक रहा हूँ, जगह देख चुका हूँ, कोई जगह अपनी झोपड़ी डालने की। अच्छा, माँ जहाँ बैठाएगी उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होगा, उसकी जहाँ इच्छा होगी तहाँ बैठाएगी। बिल्कुल, हमने तो अरदास लगाना हमारा काम था, कहना उसका काम है देना, तो उसकी जहाँ इच्छा होगी तहाँ बैठा लेगी। तो क्योंकि हमको तो एकांत जगह शांति चाहिए जी। मैं तो उसके तट में किनारे रहना चाहता हूँ, जहाँ रखे परिक्रमा पूरा करना। वो परिक्रमा पूरी कर रहे, तब तक माई कहीं ना कहीं व्यवस्था आपकी कर देगी। तो वो करेगी, वो कोई मेरे को आत्मा मारी में दर्शन फिर देने वाली है जी। जी, जब दे दे दर्शन, दर्शन तो साक्षात खुद 9 दिन अखंड ज्योत पे आ गई थी जी। अच्छा जी, अखंड ज्योत पे आई थी रात। तो प्रभु जम्बू कितने समय रहे आप? अभी तो महाराज जी हम जम्बू में मतलब 2-3 साल से ज़्यादा लगातार रहने लगा। अच्छा, लेकिन कोई अभी मतलब ये ठिकाना कोई नहीं रहता, कभी जम्मू में रुक जाऊँ, कामरू को मैं अच्छा आसाम चला जाता हूँ। अच्छा, वहाँ भी मेरा गुरु भाई है जी। फिर वहाँ मतलब अयोध्या में भी रहता हूँ, चित्रकूट में भी रहता हूँ, वृंदावन में भी रहता हूँ जी, गोवर्धन में। यानी अभी आपने स्थायी आश्रम नहीं बनाया? एक बनाया था, छोड़ दिया, वो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में, बनारस के पास। अच्छा, गाजीपुर में वो छोड़ दिया, नहीं रहता। अच्छा, मतलब क्या छोटा ही मोटा बनाया था, भोलेनाथ का मंदिर था जी, बालाजी का था, माँ शीतला माता का था जी, वो छोड़ दिया। मथुरा में भी ऐसे अपने की व्यवस्था है, सब जानते हैं जी जी, वहाँ भी रहता हूँ। वहाँ मतलब जो है चार चुनाव में वहाँ की भगत जाने नहीं देते थे, चित्रकूट में भी रहने का व्यवस्था। अभी 2 साल से एक भगत का लड़का नहीं हो रहा था, आज 15-20-25 साल हो गया जी जी। माँ की कृपा हो गई, उसको बच्चा हुआ जी, उससे भी वो भी मानने लगा, बोले बाबा मैं भी एक आश्रम बना रखा हूँ, आप आओ यहीं रहो। हमको मैं नहीं कभी कुछ कहूँगा, मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा, ये कहेगी माँ कहेगी, जब जिसकी कहाँ इच्छा है कहाँ रखेगी। हाँ, वो इसे 2-3-4 दिन 10 दिन के लिए
मैं कर्मा से निकलने के बाद जरूर आ जाऊंगा जी, लेकिन परमानेंट के लिए हम किसी को जपान नहीं देंगे, कहाँ रहता है जी। ये तो माँ बाप बेटी दोनों फैसला करेंगे, ये दोनों बाप बेटी जाने भोले बाबा और माई वही दोनों जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए प्रभु, जम्मू में तो बड़ा परेशानी होती होगी। नहीं कोई परेशानी नहीं, तो अच्छा भी रहने का व्यवस्था बढ़िया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने का। पहले तो बताते थे वहाँ बड़ा समस्या थी, समस्या कुछ नहीं थी प्रभु, और लोगों के लिए थी, हम लोग के लिए क्या। अब जलती आग है, जलती आग में कूदेंगे तो हम भी जाएंगे जी। तो वैसा वहाँ का नियम था, लेकिन अब मतलब जब से मोदी आया तब से मतलब सब शांति हो गई है, कहीं कुछ नहीं है। अब शांत है वहाँ पर, एकदम शांत है। कहीं कभी काल हो जाता है, बात नहीं है, लेकिन अब वो पहले वाली मतलब नहीं, बात नहीं रही, बात नहीं रही सब शांत। पहले तो भगवान लोग जाना छोड़ गए जम्मू में, डर की वजह से जाते नहीं थे लोग। शुरू से ही महाराज जी वहाँ रहते, आते जाते, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जी। कभी मेरे को कुछ नहीं हुआ, भगवान की माँ की कृपा से, माँ वैष्णो की कृपा से, कभी कोई चीज की वहाँ भी दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और यहाँ भी मतलब छः परिक्रमा किया साथ कर रहा हूँ, छः परिक्रमा में कुछ नहीं, बाकी परिक्रमा में जरूर कुछ परीक्षा ले रही है। एक जगह 2 महीना बीमार पड़ गया, अरे फिर एक जगह 15 दिन एक जगह बीमार पड़ गया जी जी। ऐसे रुकते रुकते अभी आ रहा हूँ जी, अभी एक दिन दो दिन हर जगह रुकते चल रहा। अभी कल वो बाजार के बाहर रोड, हाईवे रोड के नीचे एक उड़िया बाबा है, आश्रम बना रखे जी, तो वहाँ भी कल साल से रुकता था। अच्छा अच्छा। तो कल वहाँ पहुँच गया तो बोले महाराज जी बाहर गए, तो लड़की एक थी कन्या भोजन वजन बनाती, तो बोले महाराज जी तो है नहीं, अभी आ जाएंगे आप विश्राम कर। रात को वहाँ विश्राम किया, 3 महात्मा और आ गए जी। रात को भी लोग रुके, बिहार के थे 2। अच्छा अच्छा। एक मतलब गुजरात का थे, गुजरात वाले तो गिरत थे, ये दो एक इसमें गिरत था एक रुके थे। तो मैं अपना सुबह उठा, नहा धो के 3 बजे पूजा पाठ करके मैया के किनारे किनारे हम चल लिए, रोड मार्ग बहुत कम पकड़ता हूँ हम ज़्यादा करके। अब ये गांव से मेरे को ऊपर चढ़ा दिए, मतलब ये थोड़ा सा जंगल था इधर आने का कांटा, बोले बाबा रोड पकड़ लो, रोड से निकल जाओ। तो आप नंगे पर परिक्रमा कर रहे हैं? बस हमारा इतना ही पहनावा है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कुछ नहीं, बस ये क्या चला बस। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। एक कम्बल रखता हूँ, ठंड में विश्राम करता हूँ, किसी को डाल लेता हूँ। वाह, धन्य प्रभु। अब तो आपकी अवस्था भी हो गई, इसलिए थोड़ी सी लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो सब पार लगाएगी, उसके हाथ में। मैंने तो उनको कह दिया हूँ, माँ तू जान, बाबा तू जान, तेरा काम तू जाने, मेरा काम मैं कर रहा हूँ जी जी। जैसा तुम करोगे वैसा करूँगा, मैं तो पागल हूँ, पागलों को महा पागल। तो इसलिए जब भगवान हमारे बाबा सब दुनिया सब लोग छोड़ के, सब दौलत धन छोड़ के शमशान में बसे जाके, उनसे बड़ा दानी है कौन इस दुनिया में, कोई देवता नहीं है जी जी। ये सब तीनों लोग दान दे दिए जाके अपने पूरे परिवार लेकर शमशान में बैठे जी। गुरुदेव भगवान की सब कृपा हुई होती है, भोलेनाथ की प्रभु जी, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो समय समय की बात होती है, हमको कहा हम अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे, बाकी उनका काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी फर्जी को निभा रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं जी जी। हम आपकी कृपा माँ जाने जी, दर्शन देती है मैया, ये बात नहीं है, लेकिन सबको नहीं देती, सबको नहीं। हाँ, जो उसका है तपस्या करेगा जी जी, जो इसके तट में जो उसके हिसाब से चलेगा, उसको दर्शन जरूर मिलता है, चाहे एक ही बार मिले। मेरे को तो जब से 6 परिक्रमा उठाया हूँ, कोई ये साल खाली नहीं गया कि जिस साल में माँ के दर्शन ना हुआ। एक बार दो बार कभी पागल के भेद में, कभी भेद में, कभी किसी भेद में, 2-3 बार बाबा का दर्शन हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें दर्शन ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई धन की लालच नहीं, कोई दौलत की लालच नहीं, कोई माल की लालच नहीं, कर लिया और कुछ नहीं। और तो मतलब 9 दिन जोत में खुद आई है, खुद गई है,
लेकिन मेरे नजर में नहीं है, मेरे को शक हो गई कि माँ आ रही है, माँ जा रही है, दिल्ली आभास हो गया आपको। अब जिस दिन दसवीं के युग में पांच जोत किया हूँ कपूर का मैया में जी, और पांच जोत कपूर का वो पता नहीं पांच मिनट के अंदर कितना दूर गया, पांच जोत जलती हुई कोई पता नहीं पा, ऊपर से महाराज देख रहे थे, वो भी मतलब उड़ीसा के थे, वहाँ रुका था, उनने व्यवस्था किया, 3 किलो घी लगा था, सब व्यवस्था उन्होंने करके दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले बाबा आज तक ऐसा जोत किसी का भी नहीं गया है जैसा तुम्हारा, तीनों पांचों जोत गई। उनका मैं कुछ नहीं जानता था, वो बैठी है वही जाने, उसी से पूछो, हमसे मत पूछो, हम ना कुछ बता सकते ना हम कुछ जानते। चलिए प्रभु, बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिलकर के। प्रभु क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि हम किसी का भी भला कर सके, भला के मतलब हम अपनी तपस्या कर रहे हैं, हमें न धन की लालच है न दौलत की लालच, कोई दे देगा तो सीताराम, नहीं देगा तो वो अपना खुद करेगी, बिल्कुल हिसाब अपना व्यवस्था वो खुद करेगी। जी जी जी। तो हमको उस चीज़ों का, उस चीज़ का लालच चलिए नर्मदे हर। अच्छा लगा आपसे मिलकर के।